दोस्तों, क्या आप किसी के मन की बात जानना चाहते हो या फिर कोई आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, ये आपको पता करना है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के पीछे का साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकोगे। फैक्ट नंबर 10, कई बार ऐसा होता है लोग अपने दिल की बात हाथों से बयां कर देते हैं। अगर कोई सामने वाले इंसान ने बात करते वक्त अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर रखी होती है तो इसका मतलब होता है वो अभी बहुत गुस्सा है या परेशान है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अगर सामने वाला इंसान बात करते वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो समझ जाइए कि वो डिफेंसिव मोड में है। मींस वो ज्यादा खुलना पसंद नहीं करता और अपने बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब कोई स्पीच खत्म होता है तब कई लोग अपनी उंगलियों को तेज गति से थपथपाते हैं या फिर हिलाते डुलाते हैं। इसका मतलब है वो इंसान बोरिंग फील कर रहा है या फिर वो किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। फैक्ट नंबर 9, लेग मूवमेंट। बात करते टाइम अगर सामने वाला इंसान अपने लेग्स को ओपन करके बैठा है तो इसका मतलब है वो डोमिनेटिंग नेचर का है। वो खुद को एक लीडर के रूप में देखता है। वो हर सिचुएशन में इंचार्ज बनना चाहता है और अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में देखता है। नेक्स्ट गेस्चर की बात करें तो अगर कोई इंसान अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख कर बैठा है तो इसका मतलब है वो क्लोज माइंडेड है। ऐसे लोग थोड़े शर्मिले टाइप के होते हैं। फैक्ट नंबर 8, लीनिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है आगे की तरफ झुका हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आपके सामने वाला इंसान आपकी बातों के दौरान थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को पसंद करने लगता है तब वो अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाकर उससे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता है। इस पोजीशन में जो लेग्स होता है वो मोशनलेस हो जाता है लेकिन बॉडी आगे की तरफ मूव करता है। फैक्ट नंबर 7, लीनिंग बैक, यानी कि पीछे की ओर झुका हुआ। अगर कोई अपने चेयर को पीछे करने लगता है तब वे दिखाते हैं कि वे उस कन्वर्सेशन से टायर्ड फील कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम वे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं जब कोई उसके सामने खड़ा होता है। फैक्ट नंबर 6, फिक्सिंग द टाई। इस गेस्चर का मीनिंग डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर मैन कोई गुड लुकिंग वोमेन के सामने अपने टाई को फिक्स करता है तब इसका मतलब होता है कि वो उस गुड लुकिंग वोमेन को पसंद करता है। हाउएवर, ये गेस्चर ये भी इंडिकेट करता है कि वो इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो गर्ल्स, अगली बार आपके सामने ऐसा कोई लड़का कर रहा है तो समझ जाइए कि वो आपको पसंद कर रहा है या फिर खुद को हाइलाइटेड करने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 5, रबिंग द चिन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके सामने वाला पर्सन अपने चिन को रगड़ने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आज आप इसके पीछे का साइकोलॉजी को जान लीजिए। जब कोई इंसान अपने चिन को रगड़ने लगता है तब वो कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस टाइम वे लेफ्ट राइट ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर देख रहे होंगे। उनको शायद ही पता होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वे अपने सोच में खो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको ये जानना है कि आपके सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुनकर खुश है या नहीं तो आप उसकी स्माइल से आसानी से पता लगा सकते हो। अब आप ये दो फोटो को देखिए और बताइए कि कौन सा स्माइल रियल है और कौन सा फेक। और ऑप्शन बी सही कैसे हुआ ये आप बहुत जल्द ही जान जाओगे। किसी को आपकी बातें सुनकर सच में हंसी आ रही है तो उसके आई कॉर्नर में क्रिंकल पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए वो आपकी बातें सुनकर सच में खुश है और आपकी बातें उन्हें सच में पसंद आई। जैसा कि इस पहले वाले फोटो में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में हल्के से क्रिंकल आ रहे हैं, मतलब कि ये सच में हंस रहे हैं। और अगर कोई आपकी बातें सुनकर हंस रहा हो और उसके आंखों के साइड में क्रिंकल ना पड़े तो समझ जाइए वो आपकी बातों से ज्यादा खुश नहीं है और उसकी स्माइल फेक है। वो हंसने का दिखावा कर रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और उतना ही नहीं, कोई कितनी देर हंस रहा है उससे भी आप उसके रियल और फेक स्माइल का पता लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर कोई आपकी बात सुनने के बाद उनके चेहरे पर 6-7 सेकंड से ज्यादा स्माइल रहती है तो उसका मतलब है कि वो आपकी बातें सुनकर सच में खुश है। और अगर उसकी स्माइल की ड्यूरेशन 3 सेकंड से 6 सेकंड तक की है, मतलब वो आपकी बातों से उतना खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और इसी को फेक स्माइल कहते हैं। और अगर उसकी स्माइल की ड्यूरेशन उससे भी कम है, मीन्स 1-2 सेकंड तक की है, तो इसका मतलब है वो सैड है या फिर गुस्सा है, उसको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 3, कवरिंग द माउथ। ये बॉडी लैंग्वेज तो आपको पता ही होगा
क्या आपको याद है जब हम लोग छोटे थे तब किसी बात को नहीं बताना चाहते थे तो अपने मुंह को हाथ से कवर कर लेते थे, लेकिन ये सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि अभी भी हम ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा हम अपने उंगलियों को मुंह के ऊपर रख कर करते हैं तो कभी कभी अपना पूरा हाथ से मुंह को कवर कर लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग सेम रहता है। कुछ लोग तो खांसी का बहाना बनाकर मुंह को हाथ से ढकते हैं। जब एक्टर्स कोई गैंगस्टर या फिर क्रिमिनल का रोल प्ले करते हैं तब वे इसी गेस्चर का यूज करते हैं। जब उनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज की पूछताछ पुलिस करती है सो दैट ऑडियंस जान जाती है कि वो क्रिमिनल कुछ छुपा रहा है। जब कोई इंसान बोलते समय इस गेस्चर का यूज करता है तो ये इंडिकेट करता है कि वे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाता है। जैसा कि अगर कोई इंसान ऐसा बात बोल जाता है जो कि नहीं बोलना चाहिए तब उसके साथ वाले लोग अपना मुंह को हाथ से ढक लेते हैं, और ज़्यादातर ऐसा आपने लड़कियों को करते देखा होगा, और मैक्सिमम टाइम जब लोग हैरान हो जाते हैं तब ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 2, पर्सनल स्पेस। कोई इंसान जब आपसे बात कर रहा होता है तब उसके डिस्टेंस से आप कई बात जान सकते हो। अगर कोई इंसान 6 से 18 इंच की दूरी पर खड़ा होकर बात कर रहा है तो ये क्लोज रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। जब हम किसी से गले मिलते हैं या फिर कान में उसके कुछ बोलते हैं या फिर उसे टच करते हैं तब जो डिस्टेंस होती है वो इतनी ही होती है, और अगर ये डिस्टेंस 1.5 फीट या 4 फीट के बीच का हो तो इसका मतलब है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड तो है लेकिन उस वक्त में इंटीमेसी वाली फीलिंग नहीं होती। ऐसा डिस्टेंस अधिकतर फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स में होता है। और अगर कोई आपसे 4 फीट से 12 फीट की दूरी पर है और वो आपसे बात कर रहा है या मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे जान पहचान तक ही सीमित है। आप उसे क्लोज फ्रेंड मानो या ना मानो, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आई बॉल को एनालाइज करके भी आप दूसरों के मन की बात जान सकते हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसकी आई बॉल लेफ्ट की साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाइए कि वो किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम अक्सर ऐसा एग्जाम में करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं आता तो हम जाने अनजाने में ऐसा करते हैं। और जब किसी इंसान की आई बॉल राइट की साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वो कुछ कल्पना करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने माइंड में कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। और ऐसा अधिकतर तब होता है जब हम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमें एक झूठी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, और अगर आप इसे याद रखें तो आप आसानी से झूठ को पकड़ सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट की बात करें तो अगर कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है और आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। और अगर वो आपको लगातार घूरे जा रहा है जिसे हम घूरना भी कहते हैं तो इसका मतलब है वो आपसे गुस्सा है या फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजरें नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसका ध्यान कहीं और है, बस आपकी तसल्ली के लिए आपको सुन रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको ये टॉपिक चेंज करनी होगी या फिर आप उसके इंटरेस्ट की बात करें जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप चुप हो जाए। आंखों को ब्लिंक करने के तरीके से भी आप सामने वाले के माइंड की बात जान सकते हो। आपके सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी जल्दी अपने पलकों को झपकाता है तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन अगर आपके सामने वाला अपनी पलकें बहुत कम झपका रहा है या जानबूझकर कोशिश कर रहा है कि उनकी पलकें कम झपके तो उसका मतलब है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा हो। और इतना ही नहीं, आप आंखों की पुतलियां यानी कि प्यूपिल से भी बहुत कुछ जान सकते हो। अगर कोई आपसे बात करते वक्त उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई हो तो इसका मतलब है वो आपको पसंद करता है और आपसे अट्रैक्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, क्योंकि कभी कभी लाइट्स की वजह से भी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। तो आप ये ध्यान में रखना कि वहाँ ज़्यादा लाइट्स तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों, किसी का मन की बात जानने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना होगा। आपकी एक चूक और आपकी दोस्ती भी टूट सकती है, इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छा से याद रखिए और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आप इन पॉइंट्स को याद रख सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप BTS आर्मी है और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें।